कामी क्रोधी और लालची इनसे भक्ति नहीं होई, भक्ति करे कोई सूरमा कोई जाति वर्ण कुल खोई। भक्ति करना बहुत कठिन है जैसे खांडे की धार, लेकिन आज का जमाना कैसा है। कबीर कलयुग आ गया, झर झर पड़े अंगारे, कोई संत न होता जगत में, जल मर तो संसार। आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में इंसान को ऐसे भजन नहीं सुहाते। जहाँ कहीं नाच गाना हो वहाँ तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन ऐसे सत्संग ऐसे भजनों को कोई बिरले ही लोग सुनते हैं। जिनके कोई पुण्य है, कोई पिछले जन्मों के कोई पुण्य हासिल किए हो, वही इस सत्संग में भजन में बैठ पाता है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि कबीर कलयुग आ गया और झर झर पड़े अंगार, कोई संत नहीं होते जगत में तो जल मरता संसार। क्योंकि संत ही वो मार्ग बताने वाली शक्ति होती है। इसीलिए इस जमाने को देखकर सदगुरु कहते हैं, डर लागे और हंसी भी आवे आवे रे आवे राम, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी भी आवे, जमाना आया रे, डर लागे और हंसी भी आवे। धन दौलत और माल खजाना, माल खजाना नचाया है, मुट्ठी भर अन्न कोई साधु रे मांगे, उनको देवत लाज नहीं आया रे, डर लागे और हंसी भी आवे। जब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी भी आवे। या तो जब जमाना आ गया, डर लागे और हंसी भी आवे। Oh,
कबीर कहते हैं कि इस जमाने को देखकर मुझे डर भी लगता है कि इनको सच बात कैसे समझाऊं कि भाई तुम जो कर रहे हो कहीं ना कहीं गलत है, और मन में मुस्कुरा रहे हैं कि अनजाने में नादान इंसान कितनी बड़ी गलती कर रहा है, कितना बड़ा पाप कर रहा है। कैसे कथा होई वासो तार सोवे सोवे सोवेरा जमाना आ गया डर लागे और हंसी भी आवे। संगति से गुण उपजे कुसंगति से दुख होई, और संगति के प्रताप से काग हंस बन जाए। इंसान की संगति अच्छी होनी चाहिए। आज का इंसान संगति को समझ ही नहीं पा रहा है। अपने पड़ोस में रहने वाला या अपने साथ में घूमने फिरने वाला या अपने साथ में बैठने वाला व्यक्ति अपने साथ जब तक रहता है ना, धीरे धीरे उसके जो विचार हैं, उनके बोलने का तरीका है, वो हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाता है धीरे धीरे। ये बारीकी को कोई नहीं समझ पाता। सारी दुनिया संगति पर टिकी है। यदि माँ बाप की संगति अच्छी हो, उनके विचार अच्छे हैं, तो बच्चे के अंदर वो संस्कार आते हैं, तब जाकर के बच्चा संस्कारित होता है। संसार में कैसे बोलना है, कैसे रहन सहन करना है, वो बच्चा सीखता है। नहीं तो माँ बाप गलत खान पान रखते हैं तो बच्चा धीरे धीरे देख करके वो सीख जाता है। क्या क्या सीख जाता है आगे कहा। भांग तमाकू अफीम गांजा अफीम गांजा रा सुल्फा खूब उड़ाया रे भांग तमाकू अफीम गांजा।
खूब उठाया रे गुरु चरणा मत धारण दीनी। वो तो दारू चाखण जाया रे डर लागे और हंसी भी आवे। अरे डर लागे और हंसी भी आवे आवे रे आवे रा। हाँ अजब जमाना आया रे डर लागे और हंसी भी आवे। इस जगत को देखकर अंत में सदगुरु कहते हैं कि भाई जैसो खावे अन्न वैसो हो जावे मन और जैसो पीवे पानी वैसी बोले बाणी। इंसान का यदि खान पान नहीं सुधरता है तो उसका भाव उसके विचार कभी नहीं सुधर सकते। इसीलिए पहली सीढ़ी है खान पान की। लेकिन आज का इंसान यदि हम ये परंपरा अभी जो चल रही है इसको चालू कर देंगे और आगे चलाए जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी समझ जाएगी कि नुक्ते घाटे में बस नाचना ही होना चाहिए, खुशियां मनाओ, आनंद होना चाहिए। तो फिर अपने दादा परदादा यदि चले जाएंगे, अपन भी चले जाएंगे तो यहाँ पर तस्वीर खाली बैठी बैठी देखती है कि हाँ भाई नाच गाना हो रहा है। तो ये परंपरा हम आज चालू करेंगे तो कल तक क्या इसको कोई समाप्त करने वाला मिलेगा नहीं। आज आप भजन को स्थापित करेंगे तो ये परंपरा यदि चलती रहेगी तो बुराई नहीं इसमें। लेकिन यदि भजन को बंद कर दिया और वही चीज चली तो गलत है। उल्टी चलन चली दुनिया की हाय दुनिया की रा। कौन सी उल्टी चलन? बीड़ी पीना, दारू पीना, पाउच खाना, ये सब उल्टी चलन हमने चला दी। कोई भगवान ने कभी खाया क्या? नहीं खाया। भगवान को हम दारू भी डाल भी देंगे तो नहीं पीते हैं। वो बकरा काट करके सामने खून भी चढ़ा देंगे तो सामने प्रकट होकर कोई ने नहीं पिया और कोई मांगता भी नहीं। लेकिन खाते और पीते हम हैं। ये जो उल्टी रीति रिवाज हमने पैदा कर दिए ये कई सालों 200, 400, 1000 साल तक भी बड़ी मुश्किल से बंद होंगे। तो कबीर साहब कहते हैं उल्टी चलन चली दुनिया की हाय दुनिया की रा। इससे मन घबराया है उल्टी चलन चली दुनिया की। से जीव घबराया है कहे कबीर सुनो भाई साधो। ये बिरला जन्म गमा दिया रे डर लागे और हंसी भी आवे। डर लागे और हंसी भी आवे आवे रे आवे रा। जब जमाना आ गया डर लागे और हंसी भी आवे। हो जब जमाना आ गया डर लागे और हंसी भी आवे।